जयपुर की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया वांछित अपराधी हनुमान सहाय सैनी है। इसके खिलाफ साल 2016 में सचिन वशिष्ठ ने मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में बदमाश ने पीड़ित को प्लॉट और दुकान देने का झांसा देकर 9,60,000 रुपए हड़प लिए थे और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कई ठिकानों पर भी दबिश दी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आया था। वहीं आज पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन कर सक्रिय वांछित अपराधी को दबिश देकर आमेर के नटाटा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ब्रह्मपुरी थाने के टॉप 10 सक्रिय वांछित अपराधियों में शामिल है और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये मानसा सैनी पीपला वास का था, ये 4 साल से फरार चल रहा था। इसका न्यायालय द्वारा स्ट्रिंग वारंट भी जारी हुआ था। ये टेप टाउन अपराधियों में वांछित अपराधी था। इसकी जिम्मेदारी के लिए हमारे डीसी साहब एसी साहब द्वारा थाना लेवल पर श्री धनसीराम है, कॉन्स्टेबल है नंद किशोर, बिल्कुल नाम है अमीलाल, की एक विशेष टीम गठित की। इस टीम द्वारा काफ़ी प्रयास करने पर वह सोच लगाकर तकनीकी सहायता आज हनुमान साहब से गिरफ्तार करने में कामयाब।